गर्मी में पंछी की छाया, गर्मी में पंछी की छाया, गुलमोहर नहीं कर सकता है होड़ मेरे वृंदावन की, वो इंदौर नहीं कर सकता। सुनिएगा ध्यान से, होड़ मेरे वृंदावन की वो इंदौर नहीं कर सकता है, और जो दुर्गे मैया कर देंगी कोई और नहीं कर सकता। सुनिएगा, किस उभा लिया जाए और या साम लिया जा, किस उभा लिया जाए और या साम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए। कौन कौन चाहते हैं जिस माँ ने हमें जन्म दिया है हमें उसका नाम लेना चाहिए? वीरेंद्र भैया, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है एक बार हाथ उठाए उस अपनी जन्म देने वाली मैया के लिए। हमें दुख तब होता है जब जन्म देने वाली के लिए भी ये हाथ काम करना छोड़ जाते हैं। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसका खून हमारे रग रग में दौड़ रहा है, उसके लिए भी ये हाथ नहीं उठते हैं तो हमें भी दुख होता है। एक बार हाथ उठा करके और जयकारा लगाएंगे, बोलिए जन्म देने वाली मैया की। सुनिएगा ध्यान से, कि सुभा लिया जाए और या साम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए, जन्म देने वाली तेरा नाम लिया जाए। अब सुनिएगा, नाम क्यों लिया जाए? एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनो। एक बेचारा भक्त कमारा परदेश गांव में, एक बेचारा भक्त कमारा परदेश से गांव में आया। जब वो गांव में आया और जैसे ही घर में उसकी एंट्री हुई, पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं, पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया के नहीं, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। लेकिन इन सारी बातों को जिस माँ ने जन्म दिया वो एक घर के कोने में खड़ी है और सोच रही है कि मेरा बेटा बरसों के बाद आया है। लेकिन सबका भाव अलग अलग है और माँ का भाव देखिए। पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं, पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया के नहीं, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। लेकिन माँ का भाव देखिए, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं, पर मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं, ओ मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं, ओ मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं। मैं नमन करता हूँ पुजारी जी के लिए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। देखिए ये बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ी किस्मत से मिलता है, क्योंकि माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बड़ी के और न दूजा, माँ से बड़ी के और न दूजा।
एक एक शब्द सुनिएगा। घर वालों ने फरमाइश कर दी, 15 दिन की छुट्टी व्यतीत करने के बाद फिर वो उसी बॉर्डर पर पहुंच गए। दुश्मन की गोली उसके लगी तो साथ में भाई खड़ा हुआ है सिपाही। उसने कहा, भाई मैं गांव गया था, घर वालों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए थे लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं उनका जवाब देने के लायक हो चुका हूं। तो उसने चार लाइनों का जवाब चार लाइनों में दिया। अब सुनिए क्या कहा। मेरे पिता से कहना ऊंचा भाल उठाया के नहीं। अंकल जी, मेरे पिता से कहना ऊंचा भाल उठाया के नहीं, मेरी पत्नी से कहना सिंदूर का मान बढ़ाया के नहीं, मेरे भाई से कहना वादा किया निभाया के नहीं। और ये बात ऐसी आ रही है कि आप तालियों को रोक नहीं सकते। मेरे भाई से कहना वादा किया निभाया के नहीं, मेरी माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया के नहीं, मेरी माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया के नहीं, ओ मेरी माँ से कहना तेरे दूध का कर्ज चुकाया के नहीं। ओके, माँ की गोदी में हम सो रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, धीरे से मारती हमें पुचकारती, फिर सवाल ये किया। सवाल क्या किया? दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, जन्म देने वाले तेरा। सभी बोले, जन्म देने वाले तेरा। एक बार हाथ उठा करके, जन्म देने वाले तेरा। और दोनों सीधे हाथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, और जन्म दे वाली तेरा नाम लिया जाए, और जन्म दे वाली तेरा नाम लिया जाए, और जन्म दे वाली तेरा नाम लिया जाए, तेरा नाम लिया जाए, जाए। देखिए सुनिए, ये मैं मेरे लिए पुरस्कार नहीं, ये हमारे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। वाकई में इतने सुंदर कलाकार, इतने अच्छे गाने वाले, मैं सशस्त्र नमन करता हूं डॉक्टर साहब के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके, दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, दिल थाम लिया जाए या पैगाम दिया जाए, और जन्म देने वाली तेरा नाम।